I will discuss about of the your science and technology field. UPSC asked the question first your syllabus. Science and technology development of the application for the affected everyday life. Achievement of the Indian science and technology, जैसे नासा क्या कर रही है, इसरो क्या कर रही है, चाइना का रोस्टक से यूए का क्या कर रहा है, चाइना क्या कर रहा है, रशिया क्या कर रहा है साइंस एंड टेक्नोलॉजी. इंडिजिनाइजेशन ऑफ द टेक्नोलॉजी, डेवलप ऑफ द न्यू टेक्नोलॉजी. द अवेयरनेस ऑफ द फील्ड आईटी, स्पेस, कंप्यूटर, रोबोट, नैनो, बायोटेक्नोलॉजी. इशू रिलेटिंग टू द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट. ये आपका सिलेबस है, इतना पढ़ना है. फर्स्ट आईटी पढ़ना है, स्पेस टेक्नोलॉजी पढ़ना है, कंप्यूटर, रोबोट, नैनो टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी. अब हम एक एक करके पढ़ते चलेंगे. ये आपका 2021 में ये दो क्वेश्चन पूछे थे आपके, ये मेंस में 400 एंड आपको पूछा था. एक अचीवमेंट ऑफ द बायोटेक्नोलॉजी एप्लीकेशन रीचेस डेवलपमेंट अचीवमेंट ऑफ द अप्लाई बायोटेक्नोलॉजी. फिर आपका नोबेल प्राइज से पूछ लिया जो फिजिक्स में मिला था एलईडी, ब्लू एलईडी पर. देन फॉर योर पास्ट प्रीवियस ईयर मीन्स स्पेस टेक्नोलॉजी क्या है, ये आपका 2019 में आया था. फिर बायोटेक्नोलॉजी से आए थे आपका 19 में आया था द बायोटेक्नोलॉजी लिविंग स्टैंडर्ड. देन 19 में ये क्वेश्चन आए थे, आप देख लीजिएगा पास्ट. फिर नैनो टेक्नोलॉजी से आपका कौन सा क्वेश्चन आया, ये भी देख सकते हैं आप. नैनो टेक्नोलॉजी, रोबोट टेक्नोलॉजी, फिर आईपीआर इशू, देन इज द डिजिटल लेबोरेटरी एंड दिस इज द अदर एंड द कॉम. आपका 19 में ये अंडरस्टैंड करने के लिए आया था. फिर ये आपका न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी से क्या आया था, कंट्रीब्यूशन स्पेस टेक्नोलॉजी से, स्पेस टेक्नोलॉजी इन डेवलपमेंट एप्लीकेशन एंड द साइंस एंड टेक्नोलॉजी से आपका क्या आया था, फर्स्ट योर ऑर्बिट. ऑर्बिट होता क्या है, दिस इज योर अर्थ एंड योर प्लैनेट सिस्टम एंड दिस इज योर अर्थ एंड दिस इज योर अफीलियन एंड द पेरिहीलियन एंड दिस इज योर सैटेलाइट and the this point and this point also the perihelion and aphelion. इसको perihelion, इसको aphelion बोलते हैं. अर्थ हर हो गई दो आपका जो छोटा आपका and the focal of the point in the ellipse. ये आपका ellipse का focus in the point है. Then your this is your earth and the this the south, north and south direction move on and the gravity variation and the faster यहाँ पे स्लो होती यहाँ पे faster especially velocity. अर्थ क्या है, हाई अर्थ एंड द मिड अर्थ एंड लो अर्थ. ये आपके तीन पार्ट में डिवाइडेड, एक का हाई अर्थ, इसको जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट कहा जाता है, जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट कहा जाता है. एक मिड अर्थ आ जाएगा, मिड अर्थ में आ जाएगा आपका एम ई ओ, लो अर्थ में एल ई ओ आ जाएगा. ये बहुत टाइम्स इम्पॉर्टेंट है. लूनर ऑर्बिट आ जाएगा आपका, ये वाला पार्ट जो फोकल पॉइंट का हो जाता है. देन मूव ऑर्बिट आपका एंड हो गया. देन मूव ऑन द अदर सेक्शन, योर जियो सिंक्रोनस क्या है एंड आपका जियो सिंक्रोनस और जियो टी ओ, जियो स्टेनरी एंड जियो ट्रांसफर ऑर्बिट, जी टी ओ और जियो स्टेनरी क्या है. फर्स्ट योर एक्सिस, दिस इज योर अर्थ एंड दिस इज योर एक्सिस ऑफ द अर्थ एंड द जियो सिंक्रोनस आपका क्या है, द ऑर्बिटल दिस फॉर्म में आपका लाइक वर्टिकल फॉर्म में रोटेशन करता है. जैसे ये अर्थ है, अर्थ आपकी क्या होती है, टू पार्ट में. जैसे हम सैटेलाइट को लॉन्च करते हैं, एक हॉरिजॉन्टल लॉन्च करते हैं ये वाला पथ में और एक हम ऐसे ही इलिप्स पार्ट में लॉन्च करते हैं सैटेलाइट को. तो देन ये आपका जियो सिंक्रोनस है, जो आपका अर्थ के अपोजिट डायरेक्शन में हो वो जियो सिंक्रोनस है एंड जियो स्टेनरी जो अर्थ के अराउंड में, जैसे दिस इज द पोल एंड दिस मूव ऑन द ईस्ट टू वेस्ट, एंगल ऑफ इंक्लेशन बोलते हैं ये वाला पॉइंट आपका जियो सिंक्रोनस हो गया और जियो स्टेनरी हो गया. दिस इज द डिस्टेंस कॉल्ड एंगो
इसको बोलते हैं एंग्लो इंक्लेशंस एंड द जियो तरंग नॉनस ऑर्बिट डिस्टर्बेड फिर द ऑर्बिट इज द अराउंड ऑफ द इतने हावर्स एंड कम्युनिकेशन सैटेलाइट। तो आपका ये कन्फर्म हो गया, जैसे हम इसरो और सतीश धवन से कुछ भी छोड़ता है इसरो, तो आपके टू पार्ट में हम सैटेलाइट छोड़ते, जैसे चंद्रयान टू है, चंद्रयान टू हमें साउथ पोल में जाना है, गगनयान टू है तो हम साउथ पोल में ऐसे वाले हम छोड़ेंगे, तो ऐसे वाले में आपका और एक हो जाता है रिवोल्यूशन अर्थ के ही डायरेक्शन में, जैसे अर्थ मूव करती वैसे डायरेक्शन। तो टू टाइप्स हम सैटेलाइट, आप अगर इंडिया का मैप देखेंगे तो हम कहाँ से श्रीहरिकोटा से छोड़ते हैं, एक यहाँ से छोड़ते हैं, तो हम ये हॉरिजॉन्टल छोड़ते हैं, ये एक वर्टिकल छोड़ते हैं, तो इस तरह से इंडिया का छोड़ते हैं। तो आपका ये कंफर्म होगा जियो सिंक्रोनस एंड जियो स्टेशनरी एंड एंगल ऑफ इंक्लिनेशंस। फिर वो कहा है आपका जियो जियो क्रोनस एंड जियो स्टेशनरी एंड जियो ट्रांसफर ऑर्बिट, आपका ये उसमें भी कवर है, जियो ऑर्बिट द सर्कुलेशन ऑर्बिट दिस इज योर पाथ एंड द स्पेशल कॉज ऑफ द जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट इज द ओवर ऑफ द सेम पॉइंट ऑफ द अर्थ इक्वेटर ऑर्बिट इक्वल टू द प्लेन। तो ये आपका हो गया, देन मूव ऑन द जियो स्टेशनरी आपका आ जाएगा, जियो सिंक्रोनस एंड जियो स्टेशनरी एंड द जियो ट्रांसफर ऑर्बिट आप दिस इज योर अर्थ एंड कोई भी सैटेलाइट होगी आपको, जैसे मैं यहाँ से छोड़ा किसी भी सैटेलाइट को, तो ये मूव ऑन दिस पॉइंट एंड दिस इज ऑल्सो योर मूव ऑन दिस। तो द डिस्टेंस ट्रैवल इज द 3718 ट्रैवल करेगी, तो इसी को हम बोलते हैं जियो स्टेशनरी ऑर्बिट बोलते हैं। तो जियो स्टेशनरी ट्रांसफर ऑर्बिट इज द इलिप्स आपका इलिप्स है ये, एंड दिस इज द ट्रांसफर स्पेशल फॉर द लो लैटिट्यूड ऑफ द लैंड एंड ट्रेजिट इट इज द इतने किलोमीटर आपका जियो सिंक्रोनस एंड जियो क्रोमस के स्टेशनरी में आ जाएगा। फिर ये वाला बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपका, एनसीईआरटी में भी ये वाला चैप्टर कवर किया है, दिस इज़ योर अर्थ दिस इज़ योर प्लैनेट सिस्टम एंड ये दिस इज़ योर मून एंड दिस इज़ द ट्रैवलिंग ऑन द सेम पाथ दिस इज़ योर सन, ये अफीलियन हो गया या पेरिहीलियन हो गया। तो अब इसमें आपका क्या होगा, आप जैसे रिवोल्यूशन ऑफ द जैसे आपका सोलर सिस्टम मूव ऑन करेगा तो पृथ्वी हमारी यहाँ से यहाँ पहुँच जाएगी, फिर यहाँ से यहाँ पहुँच जाएगी, फिर यहाँ से यहाँ पहुँच जाएगी, तो उसी के अकॉर्डिंग हमारे मंथ चेंज हो जाते हैं, दिन भी चेंज होते हैं और हमारे सीजन भी चेंज हो जाते हैं। तो जैसे आपका पहले हम अपर सेक्शन की बात करते हैं, ये आपका सन है, तो अपर सेक्शन की बात करेंगे तो ये हमारा विंटर आ जाएगा, तो विंटर हमारा ये दिसंबर में होता है विंटर, एंड इधर हमारा उसका अपोजिट हो जाएगा, यहाँ विंटर है विंटर ही रहेगा। देन इसका जो सनलाइट के जैसे ये वाला इधर सूर्य की रोशनी पड़ रही है उधर सूर्य की रोशनी नहीं पड़ रही, तो ये हमारा समर हो जाएगा, समर सोलस्टिक हो जाएगा। तो ये 21 दिसंबर को और 22 दिसंबर को सबसे बड़ा दिन भी होता है। इधर अगर आप जाएंगे समर में तो 21 जून और 20 जून और 21 जून को सबसे बड़ा दिन एंड ये सबसे बड़ा दिन होगा और सबसे बड़ी रात होगी इस पर। फिर आपका स्प्रिंग में आप आ जाएंगे मौसम में तो ये 20 मार्च को होता है, और इधर आपका हो जाएगा ऑटम हो जाएगा, इधर इधर भी ऑटम हो जाएगा। तो स्प्रिंग सितंबर को एंड सितंबर इधर क्या होगा, आपका डे लॉन्ग होगा और नाइट छोटी होगी, इधर डे आपका लॉन्ग होगा और नाइट आपकी छोटी होगी, इसका अपोजिट इधर होगा, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड सदर्न हेमिस्फीयर। दिस इज़ द आपका एनसीईआरटी बहुत अच्छे से कवर किया है। पोलार सन एंड द योर PPSO द पोलार सन सिंक्रोनस ऑर्बिट, अब आप पोलार सिंक्रोनस ऑर्बिट को देख रहे हैं, तो दिस इज़ योर अर्थ लाइक एंड दिस इज़ योर फोर पार्ट में डिवाइडेड है, ये मिडिल पार्ट ऑफ द सन है, क्योंकि सोलर सिस्टम में जाओगे तो आप सोलर से आपको बीच में सन ही मिलेगा। देन दिस इज़ योर एंड पोलार सन सिंक्रोनस ऑर्बिट इज द सैटेलाइट टू ओरिएंट द फिक्स रिवोल्यूशन ऑफ द सन थ्रू द ईयर, अब ये मूव ऑन करती है फिक्स इन द ऑर्बिट एंड द हमेशा
वेन एवर द सैटेलाइट ऑब्जर्व अराउंड द लोकेशन सन ऑलवेज सेम द लोकेशन इन स्काई सैटेलाइट विद द गिवन पोटेंशियल इट इज द लोकल स्टॉर्म सेशन थे एंड दिस इज योर PSO। देन आप द पोलार सन सिंक्रोनस ऑर्बिट में क्या होता है, ये आपका फर्स्ट ऑर्बिट हो गया, दिस इज योर अर्थ एंड दिस इज द मूव ऑन, तो आपका ये फर्स्ट ऑर्बिट। देन सेकेंड ऑर्बिट में आपका आ जाएगा टू टाइप्स रिवोल्यूशन करेगी, देन थर्ड ऑर्बिट में आ जाएगी थ्री टाइप्स रिवोल्यूशन करेगी पूरे सन को। देन योर SSO इट इज द योर इक्वेटर फास दिस टाइम, तो योर नॉर्दर्न पोल एंड दिस इज योर सदर्न पोल, दिस इज योर इक्वेटर एंड द मूव ऑन द इतने किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाती है। देन प्रीलिम्स में क्वेश्चन भी आया था, द आर्टिफिशियल सैटेलाइट ऑर्बिट अराउंड द अर्थ नॉट डाउन टू द अर्थ बिकॉज द अटेंडेंस ऑफ द अर्थ, दिस इज द सच डिस्टेंस ऑफ द अटेंडेंस टू द मून एंड पॉजिट दिस इज द नो, फिर ये आपको बताना था। देन सैटेलाइट मूव ऑन द सैटेलाइट इज द सच एज द ऑर्बिट इज द अर्थ जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट एंड द ऑर्बिट सर्कुलेशन इट इज द अर्थ एंड इट, तो आप इसको देखिएगा, अभी मुझे आंसर तो नहीं पता है। इसरो को क्लासिफिकेशन किया गया है, जैसे आपका इसरो है तो एक कमर्शियल सैटेलाइट हम लॉन्च करेंगे, दूसरा एक अर्थ ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट लॉन्च करेंगे, एक नेविगेशन सैटेलाइट जैसे GPS एंड इंडिया का नाविक हो गया, स्पेस साइंस में हम क्या करेंगे स्पेस स्टेशन बनाएंगे एंड स्पेस टूरिज्म डेबरी हम वहाँ से हटाएंगे, एक्सपेरिमेंटल करेंगे वहाँ पे हम स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च करेंगे SSLV PSLV एंड GSLV एंड द यूनिवर्सिटी एकेडमिक आम द इंस्टीट्यूशन सैटेलाइट, ये हम पढ़ेंगे इसरो को फर्दर टिल द कमर्शियल सैटेलाइट को क्या किया गया है, कमर्शियल सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए दिस इज़ योर कमर्शियल ओनली पर्पस ऑफ द ह्यूमन डिजास्टर एंड द साइक्लोन एंड द फ्लड एंड द प्रेडिक्टिव ऑफ द साइक्लोन एंड हम साइक्लोन आने से पहले ही बता देंगे, दिस इज़ द ग्राउंड एंटीना हो गया एंड द इंफॉर्मेशन सेंड एंड दिस इज़ द रिसीवर, दिस इज़ योर सेंडर एंड दिस इज़ द रिसीवर, जैसे कुछ भी हुआ अराउंड तो ये हमारा सैटेलाइट है जो हमारा आर्भट्ट है आदित्य L1 है, इट इज़ द रेडियो टेंशन द फ्यूल एंड द मोटर थ्रू द गेम एंड देन मूव ऑन द अलग सेक्शन। फिर सैटेलाइट फ्रिक्वेंसी में क्या आता है, जैसे सैटेलाइट है आपका ये सैटेलाइट फ्रिक्वेंसी में आ जाता है आपका ये फर्स्ट योर नेविगेशन सैटेलाइट LLB, फिर LF नेविगेशन एडेड एंड AM आपका आ जाएगा FM इतने में आता है, इसकी फ्रिक्वेंसी दिया है 3 मेगाहर्ट्ज़ के एंड दिस इज द किलोमीटर 100 किलोमीटर तक, ये इतने किलोमीटर तक, ये इतने। देन रेडियो एस्ट्रोनॉइड ऑफ द रेडर लैंडिंग सैटेलाइट योर जियो ट्रांसफर TV शॉर्ट एज रेडियो फ्रिक्वेंसी इसकी दिया हुआ है एंड दिस इज़ योर उसके शॉर्ट फॉर्म दिया गीगाहर्ट्ज़ में कितना जाता है, तो आप इसको देख लेंगे। देन IDBRO द न्यू सैटेलाइट इंडियन इज द डाटा सैटेलाइट इस नेम दिस इज़ योर IDBR द सैटेलाइट कैन नॉट बी द पास्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन ग्राउंड ऑफ द सैटेलाइट दिस इज द ग्राउंड ऑफ सैटेलाइट। देन IDB2 सैटेलाइट जियो स्टेनिंग ऑर्बिट ट्रैक एंड दिस इज द सेंड ऑफ द सिंगल फॉर द इवन द लो अर्थ ऑर्बिट एंड द हेल्पफुल फीचर फॉर द मिशन गगनयान एंड द स्पेंडिंग फॉर द मून वीनस मार्स एंड ओनली US चाइना जापान एंड यूरोपियन हैज बीन द DRS सिस्टम। DRS सिस्टम हमारे इन्हीं कंट्री के पास है ओनली, और इंडिया अपना ओन स्टेशन बनाने के लिए कुछ दिन वेट करना पड़ेगा। रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट क्या है, रिमोट सैटेलाइट जैसे दिस इज योर सैटेलाइट्स है, अब क्या करता है फॉरेस्ट को भी ये देखेगा और वाटर देखेगा अवेलेबल कहाँ सी राइज टेम्परेचर आपका बढ़ रहा है, कहाँ पे ग्रासेस लैंड को देखेगा कहाँ पे ओवर ग्रेजिंग हो रही है एंड वार सॉयल एंड द योर पावर रोड एंड द बिल्ड एरियाज एंड दिस इज योर सैटेलाइट एंड दिस इज द सेंडर एंड दिस इज योर रिसीवर्स इंक्लूडिंग एटमोसफियर, जैसे सन का कार होता है वैसे ही भी सैटेलाइट रिफ्लेक्शन ऑफ सूर्य रेडिएशन, तो ये आपका कारण दिस इज़ योर आप नाविक में जाएंगे अगर नाविक
दिस इज योर जनवरी फेबररी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर। टेम्परेचर दिया है कैसे कैसे होता है, तो ये आपका जनवरी मंथ का ऐसे टेम्परेचर है, फेबररी का, मार्च का, अप्रैल का, मई का, जून का। सब्जेक्ट टॉपिक एक्सपेक्टेड एंड दिस इज योर अप्रैल का कैसे है। दिस इज योर हीट जोन है और ये विंटर जोन है, मतलब यहाँ पे सर्दी कम पड़ रही है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है। अब देन अदर मंथ का देखेंगे, विंड पावर ऑफ द सैटेलाइट देखेंगे, तो विंड कैसे डायरेक्शन, साइक्लोन कैसे आते हैं, अदर साइक्लोन कैसे आते हैं। दिस इज़ तो ये जनवरी फेबररी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर नवंबर दिसंबर। दिस इज सेक्शन, दिस इज योर पर विंड कैसे रिलीज आती है। देन मूव ऑन द अदर सेक्शन, योर जी साइट फर्स्ट योर लॉन्च क्या था, जी साइट सेम द अर्थ ऑब्जर्वी स्टेशन एंड द जियो स्टेनिंग ऑर्बिट इज द ये सेल बी मार्क टू प्रोवाइडिंग टू द रियल एंड द इमेजेस इन द टाइम मॉनिटरिंग। इससे हम द इमेजेस प्राप्त करते हैं जिससे हम रियल इमेजेस होती हैं, द विजुअल नियर द इन्फ्रारेड एंड द शॉर्ट रेविस्ट एंड द रेजोल्यूशन ऑफ द वेरीफिकेशन होती हैं। फिर आप द निसार आ गया, निसार एक द मिशन है इंडिया का, नासा एंड इसरो आल्सो इस पे वर्क करेंगे, द अपॉइंटमेंट फॉर द रडार एंड द टेक्निक टू द प्रोवाइड द फर्स्ट इमेजेस एंड रिक्वायर टू द रडार एप्लीकेशन प्रोवाइडेड। डुअल फ्रिक्वेंसी है, यल बैंड और एस बैंड है द मिशन एंड द मैप विल बी द 13.2 डायरेक्शन एंड द स्टडी हजार्टेड मरी क्या आपके नुकसान हो रही है, जैसे फ्लड आ गया, साइक्लोन आ गया, एनवायरमेंटल चेंजेस एंड द सुनामी वेलकेनो, दिस इज द अर्थ कोई कहाँ कहाँ पे। देन मूव ऑन द सैटेलाइट ऑफ नेविगेशन, नेविगेशन में हम क्या करते हैं, जैसे अभी क्या हुआ था कि गूगल क्या करेगा, गूगल हमारा अब पूरे इंडिया को कवर करेगा, हम कहीं की भी इमेजेस देख सकते हैं। रिसेप्शन में हमारा टू जैसे हमारा लाल किला दिल्ली को हमने, तो ये हमारे सैटेलाइट 7 हैं जो हमारे अच्छे से व्यू देते हैं, 3 इसमें आपके हैं और 4 इसमें हैं। दिस इज सैटेलाइट एंड विच आर, दिस इज रिसीवर एंड सेंडर, सैटेलाइट नेविगेशन। फिर आपका GPS, ये USA का है, एक है आपका GPS के थ्रू हम आप मोबाइल पे यूज़ करते हैं GPS के थ्रू में, दिस इज़ योर सैटेलाइट। अमेरिका की यहाँ पे 137 सैटेलाइट है जो पूरे ओवरऑल इंडिया वर्ल्ड को कवर करती हैं, इंडिया की ओनली 7 हैं। दिस इज़ योर 3-4 ये हैं, 3 ये हैं जो इंडिया की सैटेलाइट को ओवरऑल कवर करती हैं, जिसमें आपकी 3 है जियो स्ट्रेनी सैटेलाइट है GEO एंड 4 आपकी जियो सिंक्रोनस हैं एंड 18 डिग्री एंड दिस इज़ द आप IRNSS को बहुत अच्छे से रीजनल स्टेनरी अनटिल द डेट ऑफ द टाइप सर्विस, ये आप बहुत अच्छे से इसको पढ़ लेंगे आप गूगल पे जाके। देन फर्स्ट योर, दिस इज़ योर फर्स्ट स्टेट ऑफ द अर्थ, देन दिस इज़ द स्टार्ट एंड द अर्थ फर्स्ट, देन सेकंड 2 सैटेलाइट 3 सैटेलाइट एंड दिस इज़ योर 7 विजुअल सैटेलाइट जो हमारी हैं, कैसे हम अर्थ को देखते हैं, तो ओनली इंडिया को कवर करती है और अदर को नहीं कवर करती। देन नाविक हमारा क्या है, जिससे हम पूरी पता नेविगेशन ऑफ द, दिस इज़ द इंडिजिनस, दिस द इंडिपेंडेंट रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट एंड द सिस्टम इन द डेवलप बाय इंडिया का नाविक है, द रीजनल प्रोवाइडेड द पोटेंशियल नेगेटिव एंड द टाइमिंग फॉर द सर्विस इंडिया एंड बियॉन्ड द बॉर्डर, बॉर्डर सिक्योरिटी के लिए हो गया एंड दिस इज द स्टैंडर्ड प्रोवाइडिंग रिसेप्शन, नाविक के थ्रू हम पूरी इमेजेस। देन हमारा एक गगन है, गगन एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ द इंडिया SEI एंड द प्रोविंस सैटेलाइट बेस ऑफ द नेविगेशन सर्विस सिविल एविएशन पोजिशन एंड द वेटर फॉर द ट्रैफिक मैनेजमेंट एंड द एयर मास, दिस इज द GSAT-8 एंड GSAT-8 आपका GSAT-12 वी द लॉन्चर्स एंड द ये आपका GPS हो गया, देन द यूजर्स है जैसे हम यूजर्स हैं, देन GPS सैटेलाइट, दिस इज द इंडियन रेफरेंस स्टेशन, द इंडियन मास्टर एंड द इंडियन लैंडर एंड इट इज़ द इंडियन रेफरेंस स्टेशन, जैसे क्या होता है, दिस इज इमेजेस गो थ्रू एंड आप अच्छे से इसको एरोप्लेन को देख लेंगे, तो ये किसके तहत, हमें सैटेलाइट के तहत करते हैं GSAT-8 और ये GPS के तहत लोकेशन देखते हैं और उसके बाद फर्स्ट इमेजेस देख लेते हैं कैसे, जैसे आप गूगल पे जाते हैं। देन गगन के बारे में, गगन
गगन आपका क्या है, स्पेस असेसमेंट एंड द ग्राउंड ऑफ असेसमेंट यूजर ऑफ सेगमेंट द गगन जीपीएस इज द रिसीवर फॉर द वेज एंड दिस इज द सिंगल स्पेस एंड दिस इज द 10 ऑफ द जी सेट देन मूव ऑन द अदर सेक्शंस योर जेमनी है एक आपका द गंगा इनिवेशन टू द मैरिन इन्वेस्टमेंट नेमनी नेविगेशन ऑफ द इंफ्रा दिस इज द योर नेम एंड दिस इज सर्विन ओशियन मैरिटाइम अर्थ एंड साइंस एंड द डिजास्टर वार्निंग एंड द प्रोडक्टन एंड द फिशिंग जोन एंड द ओशन दिस इज द ओनली फॉर द ओशन जोन के लिए डिजास्टर कौन सा साइक्लोन पहले बता देते हैं हाई वेव अलर्ट के लिए एंड द स्ट्रॉन्ग विंड क्या है बहुत ज़्यादा विंड आ रही है साइक्लोन वार्निंग सुनामी वार्निंग पहले ही बता देती है जी साइट हमारा जी साइट फर्स्ट लॉन्चर देन हार्डवेयर अप्लीकेशन स्मैग एंड द अदर वन स्टॉप फॉर दिस तो इसलिए हम लॉन्च किए हैं सैटेलाइट को फिर द रिवोल्यूशन ऑफ योर रिवोल्यूशन ऑफ द इंडियन लॉन्चर व्हीकल्स योर लाइक फर्स्ट योर SLV-3 आ जाएगा फिर आपका हम क्या करेंगे आर्गुमेंट सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल ये आ जाएगा इसकी कैपेसिटी 18 ये आपका 22 मीटर है देन फ्यूल ऑफ द 4 स्टेटस है ये 4 वेट इसका इतनी कैपेसिटी इतना है 4 स्टेट में है ये आपका 3 स्टेज में होगा देन इतने टन एंड द 5 स्टेज में ये था फर्स्ट योर सॉलिड देन लिक्विड फिर सॉलिड फिर लिक्विड आखिरी जो स्टेट होगा वो आपका लिक्विड ही होगा दे ये 5 स्टेट या 4 स्टेट देन योर पोलार सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स इसका आपका इतने टन है ये कैपेसिटी इतने है ये भी आपका 4 स्टेट में है फर्स्ट योर सॉलिड देन लिक्विड फिर ये सॉलिड लिक्विड इन द लास्ट स्टेज देन द GSLV मार्क फर्स्ट एंड 3 हाइट एंड द टन एंड दिस इज द यूनिसार एंड आल्सो दिस इज एंड या GSLV मार्क थी वेट इज आपका इतना मीटर ये हाइट है इसकी एंड दिस इज ये भी आपका कितने स्टेट का द कैपेबल सैटेलाइट ऑफ 3 ये भी आपका 3 स्टेज का है ये इसमें क्या होता है दिस पोर्सन ओनली भगवान ठूद्रा ऑर्बिट एंड द रोटेशन द लैंडर एंड रोवर आपका प्रज्ञान एंड रोवर विक्रम साराभाई दिस इज द स्टेज ऑफ द लॉन्च व्हीकल्स फर्स्ट योर स्टेज ऑफ द लॉन्च व्हीकल दिस इज द सॉलिड रॉकेट अब हम रॉकेट जैसे ये है उसको हम क्या करेंगे डिवाइड करेंगे फर्दर जितने स्टेट में होगा लाइक 4 स्टेट में था तो फर्स्ट इसका सॉलिड पोर्शन होगा इसको हम गो थ्रू करेंगे हाई एनर्जी 11.9 के स्पीड से भेजेंगे ताकि ये अर्थ के जोन को एटमॉस्फेयर को पार कर सके तो फाइव सॉलिड प्रोपेलेंट होगा जो इसके थर्ड यहाँ बगल आपके जो ये बगल बगल में इसको बूस्ट करते हैं कि ये जाए देन द फास्ट स्टेज हो गया देन द कैपेबिलिटी स्टेशन देन द या सेकेंड स्टेट में क्या होता है आपका लिक्विड आ जाएगा फिर आपका ये फ्यूजिंग आपका ये दोनों हट जाएंगे रिमूव हो जाएंगे देन स्क्रैप्ट एंड द पेलोड अटेंड फिर द फ्रीजिंग आ जाएगा इधर देन जैसे ये आपकी अर्थ है ये अब क्या करेगा यहाँ से सैटेलाइट जाएगा अब इसको जाना कहाँ जैसे मून पे जाना है मार्स पे जाना है अर्थ पे जाना है कहीं पे भी जाना है तो वहाँ तक के लिए लोकेशन अब यहाँ से आपका सैटेलाइट चला और ये मूव करके यहाँ तक आ गया तो फर्स्ट फ्रीजिंग देन सैटेलाइट आपका लास्ट जो स्टेट होगी वो आपका यहाँ पे हो जाएगी फिर आपका जो छोटे लैंड जैसे PSLV CA नॉन स्पॉन्ट फॉर द NI फॉर इतने के GSLV QL ये हो गया PSLV QL इतने 60 मीटर तो GSLV ये छोटे छोटे लॉन्च व्हीकल्स है जैसे PSLV हमारा ये हो गया इतना इसका प्रोपेलेंट कितना है जिस इसका भार इतना है जियो स्टेनरी ऑर्बिट का है फिर ये 4 लियो अर्थ ये आपका ओनली जाएगा लो अर्थ ऑर्बिट में जाएगा ये आपका जियो ट्रांसफर ऑर्बिट में जाएगा लो अर्थ पेलोड है और PSLV ये आपका आप वीडियो देखेंगे साइंटिफिक बहुत अच्छे बने हैं देन GSLV Mark 3 इसके वेटेज भी ज़्यादा है और इसको 3 स्टेट में है सॉलिड लिक्विड एंड क्रायोजेनिक इंजन हो गया जो 3 दिया है देन स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स हो गया अभी कॉस्ट इफेक्टिव हुआ लॉन्च एंड दिस इज द इतने के जी इसका वेट रहेगा एंड द थ्री हैं सॉलिड प्रोपेंडल लॉन्चर लिक्विड एंड द
वेलोसिटी ट्रेनिंग एंड द मॉड्यूल ट्रेनिंग स्टेट। दिस इज योर फर्स्ट स्टेट सॉलिड से जो पूरा, देन सेकेंड ये भी सॉलिड SO2 एंड द थर्ड स्टेट सॉलिड मोनिटर SS3 एंड दिस इज योर वेलोसिटी। देन मूव ऑन द अदर सेक्शन। दिस इज योर GSLV मार्क 3 है। वेट कितना है? ISRO एंड GSLV। दिस इज योर बूस्टर हैं, ये आपको क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे सैटेलाइट को जाने में। देन फर्स्ट स्टेज, देन ये वाले जो पोर्शन है ये सब यहीं रिमूव हो जाएंगे, ओनली लास्ट वाला पोर्शन आपका जाएगा जो एटमॉस्फियर पे रहेगा। देन द पॉपलैन ट्रायल एंड दिस इज द थर्ड स्टेज एंड रेवोल्यूशन वेट ऑफ द, दिस इज द फर्स्ट स्टेज, इतने में हम लॉन्च किए थे ये आर्गूमेंट SLV भी पोलर है, SLV मार्क 3 SLV 3। अब हम श्री हरी कोटस छोड़ते हैं, अब एक हम और डेवलप करने वाले हैं जो चेन्नई से, फिर हम ऐसे छोड़ेंगे। अभी हम क्या करते हैं, ऐसे छोड़ते हैं, जैसे ये हमारा इंडिया है तो हम अभी श्री हरी कोटस ऐसे छोड़ते हैं। फिर हमें अभी हमारा श्रीलंका आ जाता है हम छोड़ने के लिए, तो हमें घूम के जाना पड़ता, अब हम यहाँ से सीधे ऐसे छोड़ देंगे, तो ये हमारा। देन मूव योर स्क्रैम जेट होता है, एक स्क्रैम जेट, ये आपका इनलैंड बॉडी एंड फ्यूल इंजेक्ट एंड द नोजल एंड द कम्बशन, यहाँ पे कम्बशन दहन होता है। देन फ्यूल एंड सफा इंस्टेंट। देन वीडियो आपका लंबा हो जा रहा है, दिस इज, तो हम अगले टॉपिक नेक्स्ट चैप्टर में कवर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।